सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है एक्चुअली फास्ट नॉफ सेप्टेम्बर और अभी 4 बज गया। तो अभी मैं गाड़ी लेके निकला हूँ। एक्चुअली मैं थर्सडे करके वीडियो करता हूँ एक्चुअली, और वीक में दूसरा दिन मुझको मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो या एंड आज एक्चुअली हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया, और मैंने इससे पहले वाला वीक में भी मैंने वीडियो कर नहीं पाया था, तबीयत ख़राब था मेरा एक्चुअली। तो आज मैं गाड़ी लेके निकला हूँ फॉर एक्चुअली वॉशिंग के लिए, बट अभी 4 बज गया शाम को, तो मालूम नहीं कि कोई भी वॉशिंग सेंटर खोला होगा कि नहीं। तो चलो दिखता है क्या होता है। और गाड़ी में एक्चुअली एयर प्रेशर भी कम है, तो एयर भी डालना है। एक्चुअली मैं नाइट्रोजन डालता हूँ गाड़ी में, तो वो भी खुला रहना चाहिए, बट हाँ वो खुला रहेगा एक्चुअली, वो 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन वॉशिंग का जो मतलब शॉप है वो खुला रहेगा कि नहीं वो मुझको मालूम नहीं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सो अभी मैं मतलब बैद्यवाड़ी पे हूँ। बैद्यवाड़ी से दिल्ली रोड लेके मैं डायरेक्ट श्रीरामपुर जाऊँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली रहता हूँ शाड़ाफुली पे, बट शाड़ाफुली पे उतना अच्छा वॉशिंग का कोई भी मतलब शॉप नहीं है। एक दो पंप में जो होता है वही होता है, लेकिन बट वो पंप में क्या होता है एक्चुअली, वो जो वाटर प्रेशर है वो एक्चुअली ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ट्रक वगैरह सब धोता है ना, मतलब वॉश होता है। तो इसके लिए उसका जो वाटर प्रेशर होता है वो एक्चुअली ज़्यादा रहता है। सो अभी के लिए हो गया। मैं दिल्ली रोड पे एक जगह पे खड़ा था एक्चुअली, कुछ थोड़ा सा छोटा एक दो वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी बज गया 5:20। अब देखो तो शायद मुझको लगता है गाड़ी तो आज वॉश नहीं होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। चलो मैं हूँ दिल्ली रोड का टोल एरिया पे। तो या मैं एक्चुअली यहाँ पर खड़ा था 2-3 छोटा छोटा वीडियो करने के लिए। तो हो गया अभी, तो अभी मैं जा रहा हूँ। गाड़ी में फ्यूल भी एकदम ही मतलब कम है, डिस्टेंस फ्रेम टी दिख रहा है 98-94 किलोमीटर। ये मतलब वाटर प्रेशर आपको चेक करके ही मतलब गाड़ी को वॉश में देना पड़ेगा, नहीं तो जो रेडिएटर का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो डैमेज हो जाएगा। अगर वो एक बार डैमेज हो जाएगा तो मतलब कहीं से भी वो ठीक नहीं होगा। आपको नया कंडेंसर इसी के लिए और रेडिएटर का ग्रिल का जो सामने वाला हिस्सा है वो नया ही लगाना पड़ेगा। तो यही एक चीज़ है। तो इससे अच्छा यही है, अगर आपको एक बार देख लो वाटर प्रेशर क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही आप गाड़ी वॉश करने के लिए देना। सो यही एक बात है। तो मैं आ गया हूँ नाइट्रोजन देने के लिए। एक नाइट्रोजन का यही खास बात है कि मतलब अगर आप एक बार दोगे तो नाइट्रोजन मतलब 2-3 महीने तक सेम रहेगा। हवा का प्रेशर अगर कमेगा भी तो सेम कमेगा, मतलब चारों टायर में 31-32 करके है हवा। तो यही बात है। सो नाइट्रोजन मैंने डाल लिया, अभी बज रहा है 5:40। तो चलो देखता है गाड़ी वॉश होता है कि नहीं। Don't play with my heart, just let me go. Please let me go. You like to love so hard. मैंने गाड़ी धुकाया था ऑलमोस्ट 6 बजे, तो अभी 6:30 बज रहा है। तो देखो पंप वाला और मतलब 2-3 जगह मैंने किया था, सब जगह बंद हो गया था, क्योंकि रात के टाइम पे किसी भी जगह नहीं होता है वॉश। तो यही एक जगह खुला था, तो इधर आया था मैंने। श्रीरामपुर पे है ये, 400 रुपीज़ दे रहा है वॉश करने के लिए। सो यही, दैट्स इट फॉर नाउ इधर। सो या थैंक यू। ये एक छोटा सा एक्चुअली व्लॉग है। You joke about my flaws and weakness.